बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 20 ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 6। तो हम बेटा यूनिट नंबर कर रहे थे 6, एक्सरसाइज 6 ए है, पेज नंबर है आपका 86। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, इनको समझना। रेशियो है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। एन अलॉय, अलॉय होता है ना, मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्सअप करने से बनता है। एन अलॉय कंटेन 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर, एक अलॉय में 13.4 ग्राम्स कॉपर है एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक है, ये टू मेटल्स मिलाकर अलॉय बना है। फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जो है वो जिंक दोनों में क्या रेशियो है। कॉपर रेशियो जिंक लिख लेंगे, कॉपर है 13.5, रेशियो जिंक है 4.5, इसको 5 से कर दें, 5 2 10 और ये पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 7 35, रेशो 0 पॉइंट लगेगा और 5 9 45। चले अब इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, नीचे 10 आ जाएगा दोनों को, तो 10 से इसको ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 27:10 रह जाएगा, क्योंकि 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कर सकते हैं, तो ये 10 और 10 ख़त्म हो जाएंगे, 27 और रेशो 9, 9 1 9 और 9 3 27, 3:1 इज़ द आंसर। 3 आपने खुद करना है। नंबर 4 देखें, मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹7,200, बिलाल की मंथली इनकम है, एंड एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा उसका कितना होता है, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, टोटल उसका जो खर्चा होता है वो ₹6,300 है पर मंथ है। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू द इनकम, सेविंग और इनकम में रेशियो बतानी है। सबसे पहले इनकम देखते हैं, 7,200, फिर एक्सपेंडिचर है 6,300। अब सेविंग क्या होगी, जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7,200 माइनस 6,300, सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर 900, सेविंग है 900। अब रेशियो निकालना है, सेविंग रेशियो इनकम, 900 रेशियो 7,200, 100 से डिवाइड किया, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे दोनों को, 9:72, फिर 9 से किया, 9 1 9 और 9 8 72, तो इनकम और सेविंग में 1:8 है। अब नेक्स्ट आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट, समीना जो अपनी पॉकेट मनी का 3/4 जो है वो चॉकलेट खरीदने पर लगाती है, एंड द मोस्ट ऑफ एंड द नेक्स्ट टू परचेज च्यूइंग च्यूइंगम, और जो बाकी पैसे बचते हैं उससे च्यूइंगम खरीद लेती है। फाइंड रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट एंड स्पेंड ऑन च्यूइंगम, तो हमने बताना है कि कितना रेशियो जो है वो चॉकलेट पे खरीदने पे लगाती है और कितनी रेशियो जो है वो च्यूइंगम पर। तो हम सपोज करते हैं उसको पॉकेट मनी मिलती है 1, सपोज 100 भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 10 20 30 40 जितना भी है, लेकिन वो हम 1 कंप्लीट नंबर ले लिया। स्पेंड ऑन चॉकलेट, चॉकलेट पर कितना स्पेंड करती है, 3/4, तो बाकी कितनी बचेगी च्यूइंगम के लिए, रिमेनिंग फॉर च्यूइंगम, 1 टोटल अमाउंट में से जो चॉकलेट पे है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इसका 1 माइनस 3/4, ये माइनस है, 1 माइनस 3/4, माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, 1 माइनस 3/4, तो ये 1/4 च्यूइंगम पे करते हैं, 1/4 सॉरी। अब रेशो देखते हैं, चॉकलेट रेशो च्यूइंगम, तो 3/4 रेशो 1/4, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इसके साथ, 12:4, तो 4 से कटिंग कर दें, 4 3 12 4 1 4। अब है नंबर 7, 6 आपने होमवर्क में करना है। अहमद अंस 5,400 इन अ मंथ, मंथली इनकम है 5,400 एंड स्पेंड करता है, खर्चा कितना है हिज 4,500 उसका खर्चा है। फाइंड द रेशियो, अब इसमें पहले में क्या रेशियो फाइंड आउट करना है, हिज इनकम टू द एक्सपेंडिचर, तो सिंपल है, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, इनकम है 5,400 और एक्सपेंडिचर है 4,500, 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 54:45। अब 9 के टेबल में 9 6 54 और 9 5 45, 6:5 उसका इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, हिज इन सॉरी ये थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट क्या है, हिज
एक्सपेंडिचर टू द सेविंग, खर्चा और सेविंग में रेशियो क्या है, चले हम देखते हैं इसकी सेविंग कितनी है। इनकम है 5,400, एक्सपेंडिचर है 4,500। सेविंग क्या होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 900 उसकी सेविंग आ गई। हमने रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। एक्सपेंडिचर है 4,500 रेशियो 900, 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 45:9 के टेबल में 9 5s are 45, 9 1s are 9, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशियो है 5:1। अब नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है हिज इनकम टू हिज सेविंग। इनकम और सेविंग में क्या रेशियो है, इनकम रेशियो सेविंग। इनकम है 5,400 और सेविंग है 900। ये गलती हुई है ना मुझसे, देखें ये 20 and 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा 54:9। ये 20 नहीं आएंगे, मिस्टेक हुआ है ये, क्योंकि ये 20 and 20 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 54:9। तो 9 6s are 54 और 9 1s are 9, ये जीरोज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये 20 and 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये चेक कर लेना, ठीक है। होमवर्क आपका क्वेश्चन 3 and 6। तो आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपका यूनिट 6 का की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो बेटा इनको नोटबुक्स में लिखना है और कंप्लीट करना है, फिर इसको 20 नहीं है ये, ठीक है, करेक्शन कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।